आज जैसे ही मौसम ने करवट लिया, आपको बता दें कि आंधी तूफान और झमाझम बारिश लगातार हो रहा है। खासकर आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं दरभंगा स्टेशन का तस्वीर है। दरभंगा के कलेक्टर एस एम त्यागराजन का गाड़ी यहाँ से निकलते ही लगभग आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर आंधी और तूफान जैसा माहौल हो गया और यहाँ पर पूरा अंधेरा छा गया। इसके बाद देख सकते हैं तुरंत ही यहाँ पर आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गया। खासकर आपको बता दें ये दरभंगा के स्टेशन का तस्वीर है, देख सकते हैं अब कैसा ये आंधी तूफान और कैसा अंधेरा छा गया है। पूरा कवरेज देखिए देखिए, अब बारिश भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये बारिश का तस्वीर, इस बारिश में भी जो लोग जो छात्र आए कोटा से, राजस्थान के कोटा से, उनको यहाँ पर मधुबनी के हों या मधुबनी से बाहर के हों उनको भी भेजा जा रहा है। और लगातार पुलिस के जो प्रशासन के जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं इस बरसात में भी, आंधी तूफान में भी। सामने देख सकते हैं सिटी SP योगेंद्र कुमार का जो गाड़ी है अब निकल रहा है दरभंगा स्टेशन से लहरियासराय के लिए। इससे पहले दरभंगा के कलेक्टर एस एम त्यागराजन और SSP बाबूराम एक ही गाड़ी में निकले हैं। देख सकते हैं अब लगातार यहाँ पर जो मौसम है वो बदल चुका है और बारिश जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुका है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो चुका है। लगातार इस बीच में मई के महीने की बात करें, अप्रैल के महीने की बात करें, लगातार जो है आंधी तूफान और ओलावृष्टि भी कहीं पर हुआ है। और खासकर बरसात की बात करें तो इस बार जो है मई महीने में जो बरसात का जो मौसम है और जो इस बार जो मौसम का जो मिजाज है वो लग रहा है कि मई महीने में ही बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है। इसको लेकर दरभंगा के जो कलेक्टर हैं लगातार बाढ़ और बरसात को लेकर तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ जो सड़क है वो पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर इससे पहले बहुत ज़्यादा संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात थे। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसे ही बारिश और आंधी आया, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग इधर उधर भागने लगे और जो लोग जो छात्र आए थे वो भी अपने अपने गंतव्य के लिए बस में बैठे। आब ई भ गेल हमर ई कोटा वाला ट्रेन आ तेसर भ गेल ई गाड़ी।